हेलो एंड वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पार्ट 22। हम कर रहे हैं 1001 एनर्जी की सीरीज़ का फटाफट रिवीजन। इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज़ के माध्यम से हम ये जांच रहे हैं कि हमको कितना आता है और कितना हमने ईमानदारी से अब तक पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले सभी पार्ट आपने देखे होंगे। अगर आपने पिछले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए वन लाइनर जीके की प्लेलिस्ट पर, उस पर क्लिक करिए। इस तरह के वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये रहा हमारी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर वन। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? देखिए, ये सभी क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, आपका ग्रेड डी का एग्ज़ाम हो। ये सभी क्वेश्चंस एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम पांच से अधिक बार एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपके सामने एक लड्डू क्वेश्चंस होंगे। लड्डू क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन कहते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर आपका सिंदरी में पॉइंट नंबर टू है आपका। इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? तो यह है आपका श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? यह है आपका आंध्र प्रदेश में। पॉइंट नंबर थ्री, अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश कौन कौन से हैं? एक है भारत और सेकेंड नंबर पर आता है आपका यूएसए। पॉइंट नंबर फोर, कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है? तो यह है आपका हीरे के उत्पादन में। पॉइंट नंबर फाइव, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिंडनबर्ग रेखा। देखिए, एग्जाम में आपको कभी कभी कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, तो आपको सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो ये। और उसके अलावा काफ़ी सारी लाइनें होती हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में कभी कभी ये भी आता है कि मैकमोहन रेखा, ड्यूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, हिंडनबर्ग आप सामने देख ही रहे हैं। तो देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके सामने एक मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के मध्य खींची गई रेखा है, जो भारत और चीन का बंटवारा करती है। एक सीमा रेखा मतलब एक बाउंड्री लाइन, मतलब इस बाउंड्री को पार करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट इस बाउंड्री को पार करना इतना आसान काम नहीं होता। सीमा रेखा एज एक बाउंड्री लाइन, एक फायर वॉल, एक सिक्योरिटी वॉल हम इसको कह सकते हैं। सेकंड है हमारा ड्यूरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य होती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य। और एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका मैगिनॉट रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ये शायद रेखा आपको पहले से पता होगी, मुझे लग रहा है कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो न्यू एस्पिरेंट हैं, जिनको तैयारी करते हुए कंपटीशन में बहुत कम समय हुआ है, उनके लिए प्लीज़ वो लिख लीजिए साइड में किसी पेपर पर। एक आती है आपका 49वीं समानांतर रेखा, ये है आपके यूएसए और कनाडा के बीच में, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर सिक्स, सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है कौन? कछुआ। और दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो यह है आपका रावी नदी पर। पॉइंट नंबर एट है आपका एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो यह है श्रीलंका में। और पॉइंट नंबर नाइन, भारत के किस स्थान से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिनमें एक अरब सागर की तरफ और दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? तो यह है आपका अमरकंटक से। पॉइंट नंबर टेन, इसराइल के किन देशों के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा है? तो यह है आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। पॉइंट नंबर इलेवन, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल से फैली हुई है? तो यह है आपकी जलोढ़ मिट्टी। देखिए, मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो ये भारतीय कृषि जो अनुसंधान के अनुसार जो अनुसंधान परिषद है कृषि की, तो वो भारत की मिट्टी को कितने भागों में डिवाइड करता है? तो उसके अकॉर्डिंग जो भारत का जो वर्गीकरण किया गया है मिट्टियों के हिसाब से, वो करा गया 8 वर्गों में। अब हमको मैक्सिमम मिट्टी कौन सी पता होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मिट्टी का नाम बताइए, वीडियो को पॉज करके मन में अपने, तो आप केवल बता पाएंगे केवल 4 से 5, जिसमें जलोढ़ मिट्टी एक होगी, फिर काली मिट्टी आपको याद आएगी, फिर लाल मिट्टी याद आएगी आपको, लैटराइट मिट्टी आएगी, इससे ऊपर आपको याद नहीं आएगी। अगर आती है, जैसे कि अब एक होती है मरुस्थलीय मिट्टी भी होती है, और एक आपका ये वनीय मिट्टी भी होती है, एक कहते हैं पिट या जैविक मिट्टी इसको बोलते हैं हम लोग। तो मिट्टी की कैटेगरी तो होती है 8। सबसे पहली बात ये, अगर बात करी जाए जलोढ़ मिट्टी, तो भारत के 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो
ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में इसमें कौन सी खेती होती है, क्या इसमें अधिक मात्रा होती है, तो आपकी जो बुक होगी लुसेंट की नीति वाली, उसमें आपको ये सब डिटेल मिल जाएगी। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी कई बार पूछा जाता है, काली मिट्टी में जो उत्पादन होता है वो होता है कपास का। और इसके साथ में काली मिट्टी का एक दूसरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है। तो आपके सामने चार मिट्टी का ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है ये है आपकी काली मिट्टी। तो फ्रेंड बढ़ता हूँ आगे। देखिए इस तरह के फैक्ट हमको तुरंत, जैसे ही हम कोई जीके का फैक्ट पढ़ते हैं, तो हमको याद आना चाहिए। और इसी क्वेश्चंस के बहाने आप अदर टॉपिक भी रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने की भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है हमारा बैरन द्वीप। पॉइंट नंबर 13, अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, तो यह है आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। पॉइंट नंबर 14, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है, तो यह है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका कुमाऊं क्षेत्र के हिमालय रेंज में। पॉइंट नंबर 16, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह है आपका जैम्बेजी नदी पर। पॉइंट नंबर 17, कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है, तो यह आपका नर्मदा नदी पर। और बात करते हैं पोंग बांध, तो पोंग बांध कौन सी रिवर पर है, तो यह है आपका व्यास नदी पर। अब देखिए पॉइंट नंबर 19, मध्य प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो पांच राज्य हैं। सबसे पहले टोटल राज्य कितने हैं, फाइव, और कौन कौन से हैं, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़। और अगर आपके पास में मैप है तो प्लीज़ मैप को ओपन कर लीजिए। वहाँ पर मध्य प्रदेश आप देखिए, उसके पड़ोसी देश जो भी हैं, मतलब पड़ोसी राज्य जो भी हैं, उस पर एक एक डॉट लगाइए और उसको याद करिए। ज्योग्राफी पढ़ने का केवल एक ही तरीका होता है जो सबसे बेस्ट माना जाता है, उसमें टाइम अधिक लगता है, वो बात अलग है। ज्योग्राफी जब भी आप कोई भी वीडियो वॉच करें, कोई भी बुक वॉच करें, तो साथ में अपने पास एक मैप जरूर रखें। मैप के साथ में अगर कभी भी मौका आपको मिलता है कोई भी स्टेट टैली करने का, तुरंत उसके साथ में मैप ओपन करके उसको देखिए, बड़ा मज़ा आता है और तैयारी काफ़ी स्ट्रांग होती है इससे। तो मैप ज़्यादा महंगा नहीं आता, शायद 150 या 200 रुपये तक का मैप आएगा, 200 रुपये तक का मैप आएगा ही नहीं। ऑक्सफोर्ड ले लो, एटलस ले लो, लेकिन मैप जरूर परचेज करो। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर, नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। और यूर्ट किस प्रजाति का घर है, तो यह आपका खरगोश का। अगला है पॉइंट नंबर 22, क्यूराइल द्वीपों को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है, रूस और जापान। 23 नंबर है कि पूर्व सोवियत संघ किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया, तो इसका राइट आंसर है लेनिन गार्ड। देखिए कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो यह है आपका भागीरथी पर। देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि ये कोटेश्वर बांध था, ऊपर हमने 18 नंबर पे देखा पोंग बांध, फिर हमने देखा था कपिल धारा प्रपात, विक्टोरिया प्रपात। तो देखिए जल संधि जो भी है, जल से संबंधित जो भी एक्टिविटी रहेंगी, वो सभी आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि कौन सी झील कौन से देश पर है, ये आपको पता होना चाहिए। कैस्पियन जो है आपका कौन कौन से देश से संबंध रखते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ये आपका रूस और ईरान के बीच में क्षेत्र है, वहाँ पर कैस्पियन सागर एक दूसरे को कनेक्ट करता है ये। और जैसे कि इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि कैस्पियन सागर क्या है, कि खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। बात करें सुपीरियर की, तो ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करी जाए बैकाल झील, तो बैकाल झील जो है वो है आपकी सबसे गहरी झील, मतलब काफ़ी डीप झील कौन सी है, वो है आपकी बैकाल झील। और उसके बाद में बात करते हैं आपसे कि एक झील और है, उसका नाम टिटिकाका, हाँ याद आ गया, टिटिकाका झील है, और ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। तो झीलों के नाम आपको पता होने चाहिए। बढ़ता हूँ आगे अगले पॉइंट की ओर। 25, देखिए कुछ चीज़ क्या होती है कि हम भी ना भूल जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए आपको डेडिकेटेड अपनी एक बुक परचेज करनी है। मार्केट से जा करके लूसेंट नीली वाली बुक को परचेज करिए, उसमें से कितना इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, उस बुक के कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में। और मैंने बुक को हाईलाइट करवा रखा है, एक एक पेज को अच्छे से स्कैन करके आपको वीडियो वॉच करनी है, ना कि ऑडियो। ऑडियो वीडियो दोनों हैं, सामने वीडियो वॉच करिए,
पास में अपने बुक रखिए और उसको हाईलाइट करिए। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता होगा, लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। पॉइंट नंबर 25 है कि किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहते हैं, तो ये है आपका थाईलैंड। 26 नंबर है हमारा टॉर्नेडो, बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उड़ते हैं कहाँ पर, कैरिबियन सागर में। 27 नंबर, अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है, तो ये है आपका मृत सागर। 28 नंबर, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला। 29 नंबर है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है, तो ये है आपका मंगल का। 30 नंबर है, लेनिनग्राद और ब्लाडी बोस्टक के बीच में कौन सी रेलवे है, तो ये है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और अगेन बोलूँगा मैप परचेज कर लीजिए। ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है, भूगोल आपको पढ़नी है अगर, तो मैप के साथ प्लीज़ एक एक लोकेशंस को टैली करते चलें। टाइम लगेगा लेकिन तैयारी अच्छी होगी इससे।